हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रिमाज नेचर्स नेस्ट। आज मैं आप लोगों के सामने सिंगोनियम को कटिंग से कैसे प्रोपोगेट किया जाता है इसी के बारे में एक छोटा सा वीडियो दिखा रही हूं। उम्मीद करती हूं आप लोगों को ये पसंद आएगा। तो चलिए देख लेते हैं कि सिंगोनियम को कटिंग से कैसे प्रोपोगेट किया जाता है और इसके लिए हमें किन किन सामान की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये मेरे पास पुराना प्लांट है जो कुछ अब ये देखिए लैगी सा हो गया है। तो और आप ये देखिए इसमें जगह जगह से नोट्स में रूट निकल रही हैं, तो हम यहीं से कट करके इसको कटिंग से प्रोपोगेट करेंगे। और इसके लिए हम 6 इंचेस का पॉट ले लेंगे जिसे मैंने ये ब्रोकन पीसी से इनके होल्स को कवर कर दिया है। और इसके लिए सॉइल मिक्सचर किस तरह का चाहिए, ये सॉइल मिक्सचर है। तो सॉइल मिक्सचर में हम 1 part sand, 1 part vermicompost, 2 से 3 चम्मच नीम खली, 1 part sand और 1/2 tablespoon फंगीसाइड ले लेंगे। इन सब के मिक्सचर में हम इसे लगाएंगे। तो चलिए इसी प्रोपोगेशन देख लेते हैं किस तरह से की जाएगी। सबसे पहले हम इस सिंगोनियम को ले लेते हैं और इसको शार्प टूल से कट कर लेंगे। ये देखिए इसमें आप ये रूट्स देख पा रहे हैं, ये देखिए। तो यहीं से ये जो है अपनी ग्रोथ पकड़ लेगा। और अब हम इसको अपने 6 इंचेस का जो पॉट ले रहे हैं उसमें लगा लेते हैं। तो इस सॉइल मिक्सचर को अच्छे से मिला लेंगे हम। इन सबको अच्छे से मिलाने के बाद हम इसको अपने 6 इंचेस का जो पॉट लिया है उसमें भर देंगे। इस तरह से इस मिक्सचर को मिलाने के बाद हम इसे इस पॉट में भर देंगे। आधा फिल करने के बाद अब इसमें ये जो हमने कटिंग ली है इसे हम लगा देंगे। और बाकी की मिट्टी को इसी में भर देंगे हम। तो थोड़ा सा इसको हम सेट कर देंगे। अब हम इसकी वाटरिंग कर देंगे अच्छे से। और इस सिंगोनी को हम थोड़ा शेडी एरिया में रख देंगे, उसके बाद ऐसी जगह रख देंगे जहाँ सुबह सुबह की धूप मिले। तो ये 10 से 12 दिन में बहुत अच्छे से ग्रोथ करने लगेगा। तो आप देख ही रहे हैं एक सिंगोनियम के प्लांट से हमने 2 प्लांट बना लिए। ऐसे ही आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और सिंगोनियम जो है एक इंडोर प्लांट है, सेमी शेड एरिया का प्लांट है और देखने में बहुत ही खूबसूरत होता है। आई होप सिंगोनियम के ऊपर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। सेफ रहिए, हेल्दी रहिए।